कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को विकास भवन परिसर में स्थित विभिन्न विभागों में कामकाज की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने जिला विकास कार्यालय, परियोजना निदेशक, DRDA, पशु चिकित्सा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, GIS, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विभाग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी के पेंशन, कोर्ट केस, सर्विस बुक, पदोन्नति, उपस्थित पंजिका, आय व्यय से संबंधित बिलों की जांच की। उन्होंने कार्यालयों में स्वच्छता, अभिलेखों और गार्ड फाइलों को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो भी पत्र व्यवहार किए जाते हैं उनमें दिनांक का उल्लेख अवश्य हो ताकि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। आयुक्त ने विकास भवन में बने शौचालयों का भी निरीक्षण किया और संबंधित सफाई नायक को साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष के बिलों की भुगतान की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मैंने कुछ कुछ जो इसमें मेजर ऑफिसेज हैं और उनका इंस्पेक्शन किया, जिसमें DDO साहब का ऑफिस है, PD का है, DHO साहब का है, RWD का है, पशुपालन का है, कृषि का है। मोटे मोटे तौर पर ऑफिसेज देखे और ये यहाँ पे मैंने अच्छी चीज़ देखी कि लगभग जो पेमेंट्स थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में हो जाने चाहिए टारगेट क्लोजर के, वो सारे हो गए हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी यहाँ पे अच्छा है। केवल 2-3 चीज़ों पे मैंने यहाँ पे करने को कहा। एक तो जो भी डाक ऑफिस में आती है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो अनडेटेड ना आए, क्योंकि इसमें फिर कई बार ये नहीं पता चल जाता कि कब से चीज़ें टली हुई हैं, कब लटकी हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है। दूसरा, जो गार्ड फाइल यहाँ पे मेंटेन हो रही है वो अपडेटेड नहीं है, उसको अपडेट करने के लिए कहा है। और बाकी इन जनरल जो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट है उससे मैं सैटिस्फाइड।